बिहार के अररिया के छोटू और आरती की दर्द भरी लव स्टोरी की दास्तां जो भी सुन रहा है अपनी आंसू नहीं रोक पा रहा है। जी हां, इनकी प्रेम कहानी की इतनी दर्दनाक अंत हुई है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। दरअसल आरती और छोटू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों 2 साल से फोन पर ही बातचीत कर रहे थे। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोनों घर वालों से बात कर सके। आरती ने जैसे तैसे अपनी भाभी को अपनी प्रेम कहानी बताई और शादी कराने के लिए मदद मांगा। आरती की भाभी अपने छोटे भाई से आरती की शादी कराना चाहती थी लेकिन आरती छोटू को पसंद करती थी। फिर क्या था, अपने मकसद को कामयाब ना होता देख बौखलाई भाभी ने आरती को कहा कि छोटू को घर पर बुलाओ। आरती खुश थी कि भाभी उसकी मदद कर रही है। आरती ने छोटू को अगले ही दिन घर पर बुला लिया। छोटू को देख आरती की भाभी ने पूरे घर में शोर मचा दिया कि आरती का प्रेमी आया है उससे मिलने। जिसके बाद घर वालों ने छोटू को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब आरती के परिवार वालों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। पूरा परिवार जब मार मार कर थक गया तब उन्होंने छोटू के हाथ पैर के नाखून निकाल दिए और बिजली के झटके दे देकर छोटू को मार डाला। इसके बाद घर वालों ने आरती की भी खूब पिटाई की जिसके बाद आरती बेहोश हो गई। सुबह जब आरती होश में आई तब उसे पता चला कि उसका प्रेमी छोटू इस दुनिया में नहीं रहा। आरती ने अपने पूरे परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया और छोटू के घर चली गई। आरती का कहना है कि वो अब छोटू के घर उसकी विधवा बनकर रहेगी और छोटू के परिवार वालों ने भी आरती को स्वीकार कर लिया है। तो जी हाँ, आरती और छोटू की प्रेम कहानी का इतना भयानक अंत देखकर लोगों की रूह कांप जा रही है। वेल, इस खबर पर आप सबकी क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में।